कंपटीशन कम है, बिल्कुल पहले से थोड़ा बहुत कम है। लेकिन तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया था फ्लिपकार्ट से, क्लिप ऑन हैंडल बार्स के नाम से। तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे वाइब्रेशन रिड्यूस होती है, और कुछ कहते हैं कि ये मोबाइल होल्डर का काम करता है। मोबाइल होल्डर का तो हमें समझ आता है कि हाँ, हम इस पर मोबाइल लगा सकते हैं अपना होल्डर लगा के, लेकिन क्या ये वाकई वाइब्रेशंस को कम करेगा? आप देख सकते हैं, मैंने ऑनलाइन मंगाया, इसके साथ एक एलेंकी मिली हुई है जो इसके एडजस्टमेंट बाइक के अंदर करने में मदद करेगी। तो इसे लगाते हैं बाइक के अंदर और देखते हैं क्या ये वाकई वाइब्रेशंस कम कर रहा है। तो इसको मैं अभी लगाने जा रहा हूँ हीरो होंडा हंक के अंदर, और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं, इसे प्रॉपर तरीके से लगाना होगा और आसानी से ये लग जाएगा। तो कैसे लगाना है और कैसे इसे खोलना है और कैसे इसकी एडजस्टमेंट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको फिट करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है इन्होंने और दूसरा यहाँ पे है। तो इसे खोलेंगे हम, इसके साथ एक एलेंकी मिली है। इस एलेंकी से पहले इनको ओपन करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस एलेंकी से इस बोर्ड को खोलते हैं हम प्रॉपर तरीके से, आसानी से खुल जाएगा ये, ज़्यादा टाइट नहीं है। तो इसे पूरा ओपन करना पड़ेगा हमने, तो इसे निकालते हैं पहले पूरी तरीके से। थोड़ा खोलने के बाद आप इसे हाथ से निकाल सकते हैं, लूज होने के बाद ये हाथ से आसानी से निकल जाएगा। हल्का सा प्रेस करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि ये निकल चुका है, एक बोर्ड हमने निकाल दिया है और इसे संभाल के रख देंगे ताकि खोए ना। तो ये अलग अलग पार्ट में अलग हो गया है दो हिस्सों में। अब इसे हमने हैंडल बार में अटैच करना होगा। इसके बाद इसी तरीके से जैसे हमने पहला बोर्ड खोला था, दूसरा बोर्ड भी इसका ऐसे ही हम खोल देंगे, आसानी से खुल जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं इसे खोलना। प्रॉपर की इसकी दी हुई है, इस की से आसानी से हम इसे खोल देंगे। तो इसे भी खोलते हैं और उसके बाद इसको फिट करके दिखाते हैं आपको। तो ये भी निकल चुका है, ये भी दो पार्ट में अलग हो चुका है। आप इसे ऐसे भी खोल सकते हैं, इसके एडजस्टमेंट। देख सकते हैं ये पूरा यूनिट अलग हो चुका है और यहाँ से एक स्क्रू दिया हुआ है, आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि किसी बाइक का हैंडल छोटा होता है, बीच में किसी का ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए ये स्क्रू दिया हुआ है इस पर। आप इसे किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। तो अभी हम लगाते हैं अपनी बाइक में, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, मैंने इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हैं। एक स्क्रू मैंने यहाँ पे लगाया है, लेकिन इसकी फिटिंग यहाँ पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, थोड़ा सा इस पर गैप आ गया है क्योंकि हैंडल बार में थोड़ी दिक्कत है, और इस तरफ इसकी फिटिंग बेहतर आई है। तो और मैंने नीचे से भी इसका गैप मेंटेन रखा है, आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से बराबर आपको फिट करना है एक सा, देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से एक गैप देख लीजिएगा आप, बराबर होना चाहिए। आगे से भी मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से फिट किया जा चुका है। इसका लुक अगर दूर से देखें तो कुछ ऐसा लुक आता है इसका। एलेंकी से मैंने इसे प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है। अब बारी है इसकी रोड टेस्टिंग करने की, तो चलते हैं बाइक लेके और उसके बाद दिखाते हैं। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की, तो चलते हैं, करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो अगर वाइब्रेशन की बात करूं तो कुछ हद तक तो वाइब्रेशन इसमें कम हुई है।
लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वाइब्रेशन पूरी ही चले गई है तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वाइब्रेशन इसमें है अभी भी और वो पूरी गई नहीं हुई है। तो अभी तेज़ चला के देखते हैं इसको थोड़ा। हाँ, वाइब्रेशन कम है बिल्कुल, पहले से थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि पूरी वाइब्रेशन चलेगी तो ये बोलना सही नहीं होगा। तो अभी मैं 70 पर चल रहा हूँ, देख सकते हैं आप इसमें वाइब्रेशन है, लेकिन पहले से कम। अभी हम 80 टच कर गए, तो वही चीज़ है, कुछ हद तक आपको ये वाइब्रेशन इस पर कम लगेगा। और मोबाइल होल्डर का काम तो आसानी से करेगा, और लुक वाइज भी काफ़ी बेहतर ये है, और वाइब्रेशन भी पहले से कम है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे लगा सकते हैं, अगर आपकी बाइक में कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेशंस हैं तो वो कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं होंगी। और लुक वाइज थोड़ा अच्छा है, और अगर आपको मोबाइल यहाँ पर मोबाइल होल्डर लगाना है तो आप आसानी से उसे लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये था इसका रिव्यू, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो मेरे चैनल एक्सिंग टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।